हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द संगम पीरियड के बारे में, या फिर संगम एज कह लीजिए। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो से हमने ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने जाना कि संगम क्या होती है। दिस इज नोन एज द एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, जहाँ पे सारे तमिल पोइट्स आकर मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि अभी तक टोटल 3 संगम्स हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उनके बारे में थोड़ा सा जाना, कहाँ पे हुई है, कौन से संगम का कौन सा लिटरेचर जो है राइट नाउ प्रिजर्व्ड है, तो वो सब बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है 3 अर्ली किंगडम्स। जो संगम के अंडर 3 किंगडम्स हम पढ़ते हैं ना, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास, बस इन तीनों को हमें आज कवर करना है एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। देखिए, जो लोग साउदर्न इंडिया से हैं उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी इन तीनों के बारे में, क्योंकि अपनी स्टेट का हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे हिमाचल की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, है ना। तो वही चीज़ है कि जो साउदर्न इंडिया वाले हैं उनको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि नेशनल परस्पेक्टिव से अगर बात करें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अपनी स्टेट हिस्ट्री से मत कंपेयर करना कि मैम आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही साउथ इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अपने पेपर पेन निकालें एंड वीडियो के साथ ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। तो हम संगम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 अर्ली किंगडम्स के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द लैंड ऑफ कृष्णा रिवर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 किंगडम्स। जो कृष्णा नदी की जो लैंड थी वो 3 किंगडम्स में डिवाइडेड थी, चोलास, चेरास एंड द पांड्यास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द चोलास के बारे में। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये है चोलास, ये वाला पांड्यास और ये वाला चेरास। अब देखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ये ऐसे ही है। ठीक है, तो बस अब इन तीनों के बीच में थोड़े से बाउंड्री डिस्प्यूट्स रहते हैं, थोड़े से छोटी मोटी लड़ाइयाँ युद्ध होते रहते हैं, है ना, क्योंकि होता ही है जहाँ पे दो लोग रहते हैं बाउंड्री को लेकर इश्यूज होते हैं, तो बस वही इसमें चलेगा। सबसे पहले तो चोलास के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ किंगडम, अब जो चोलास का किंगडम था इसे चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम। अब अगर आपको ये वाला पार्ट पता है ना तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। पांड्या के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, या कह लीजिए नॉर्दर्न पार्ट में, चोला का जो किंगडम था ये सिचुएटेड था बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर्स। जो पेनार एंड वेलार रिवर्स हैं इनके बीच में चोला का किंगडम था। कैपिटल की बात करें तो पहले कुछ और कैपिटल थी, बाद में कुछ और कैपिटल हो गई। ठीक है, पहले जो है ये थी उरायूर और बाद में हो गई पुहर। नाउ जो उरायूर थी इट वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, जो कपास का व्यापार होता है इसके लिए फेमस थी। और जो बाद में आई है पुहार, इसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। एम्बलम की बात करें, चोलास की बात कर रहे हैं, एम्बलम की बात करें तो वो है टाइगर। ठीक है, द अर्लीस्ट नोन चोला किंग, मतलब सबसे पहले हमें जिस चोला किंग के जिक्र मिला है कहीं भी वो है इलारा। ठीक है, ही कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर द 50 ईयर्स। अब देखिए क्या है ना, पहला फाउंडर कौन था चोला किंगडम का नहीं पता, लेकिन जो सबसे पहले किंगडम, सॉरी चोला किंगडम के जो सबसे पहले रूलर थे जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है इलारा। तो इसको फाउंडर मत समझिएगा, ये अर्लीस्ट नोन किंग है। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया, अपना वहां पे भी 50 साल तक रूल किया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अर्लीस्ट नोन चोला किंग। अब हम जानेंगे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला किंगडम, या फिर फेमस किंग वहां के, वो थे करिकाला। एक इनका वर्क है पतीना पलाय, ठीक है, पोर्ट्रेट हिज अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। जो भी इनके जीवन था प्लस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी उन सब के बारे में इस बुक में जिक्र है। क्या नाम है बुक का? पतीना पलाय। अब आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, साउथ इंडियन उनका आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो दो बैटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है नेशनल परस्पेक्टिव से, एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, बैटल ऑफ वेनी एंड बैटल ऑफ वहाय परंदलाय। ठीक है, बैटल ऑफ वेनी जो है इसमें क्या हुआ, ही डिफीटेड द माइटी, अब हम इन्हीं की बात करें, करिकाला की ही बात हो रही जब तक नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ही डिफीटेड द माइटी कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ, इन्होंने अकेले, चोला जो ये किंग थे करिकाला, इन्होंने अकेले क्या किया है, पूरी की पूरी कॉन्फेडरेसी जो थी चेरास की, पांड्यास की और 11 चीफ्टियंस की, जो छोटे छोटे चीफ थे, उन सब ने मिलकर एक कॉन्फेडरेसी, एक संधि, एक ग्रुप बनाया था। तो उन सबको इन्होंने अकेले हराया, पहली चीज। दूसरी बैटल में इन्होंने क्या किया, हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मेड हिम, अब यहाँ पे ये जीते तो जिसकी वजह से इनको मिला टाइटल, या कह लीजिए नाम मिला, इन्हें कहा जाता था ओवर लॉर्ड ऑफ द होल तमिल कंट्री।
पूरे की पूरी जो तमिल कंट्री है उसके ओवरलॉर्ड इन्हें कहा जाता था। ही फाउंडेड, अब जो करिकाला थे ये थे फाउंडर पुहार के, जिसे हम कावेरीपट्टनम भी कहते हैं, जो कि बाद में कैपिटल बनी थी। ठीक है, चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चोलास के बारे में दो पॉइंट्स और हैं। पहला है, हैड एन एफिशिएंट नेवी, इनकी नेवी जो है मतलब काफी अच्छा नेवल सिस्टम था इनका। सेकेंड पॉइंट आता है, डिस्ट्रॉयड बाय द अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ। अब क्या होता है, पल्लव आए नॉर्थ से। अब आपने कन्फ्यूज नहीं होना, पल्लवस एंड पांड्यास में आप सोचेंगे नॉर्थ में कहाँ से आए, वो तो नीचे थे, तो ये पांड्यास हैं, ऊपर से पल्लवास आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और इनका किंगडम जो है फिर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, इसी के साथ चोलास के बारे में इतने था, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, राइट। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी, देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। डेली 15 से 20 पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ, डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डिफरेंट वेबसाइट्स, यूपीएससी की वेबसाइट से मैं पॉइंट्स उठाती हूँ और उन्हें एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ने ही होंगे, है ना। ऐसा आप कर नहीं सकते कि लास्ट के एक महीने में करंट अफेयर्स पढ़े, वो आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे। हल्का हल्का डेली पढ़ लिया, आधा एक घंटा करंट अफेयर्स को दे दिया, और जैसे कोई मंथली मैगजीन आती है तब वो पढ़ ली। करंट अफेयर्स को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बेस्ड दोनों होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अब डायनामिक हो गया है सारा सारा सिलेबस, तो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर चोला किंगडम का कुछ मिल गया है, ठीक है, कोई एपिक मिला है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इस तरह से आपको पढ़ने में फोकस करना है। एंड चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि था हमारा चोला मंडलम, द चोलास। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे द चेरास के बारे में, राइट। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है द चेरास के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फिर से मैप बनाया है, अगर हमें बीच में जरूरत पड़ती है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं और फिर से जानते हैं नेक्स्ट हमारे किंगडम के बारे में, जो कि है चेरास का किंगडम। दे ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो केरला एंड तमिलनाडु का एरिया था वहाँ पे चेरास का किंगडम था। कैपिटल थी वंजी, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे टोंडी एंड मुसीरी, इसे मुर्जिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द पुगालूर इंस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी, सो फर्स्ट सेंचुरी एडी की एक इंस्क्रिप्शन है द पुगालूर इंस्क्रिप्शन, ये क्या बताती है, इट रेफर्स टू 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स। इसके हिसाब से चेरास के सिर्फ 3 जनरेशन थी एंड दैट्स इट। ठीक है, कौन सी थी, पहला आप देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं, तीसरा आप देख सकते हैं। अब पहले का आपने नाम याद रखना है उद्यान, दूसरे का आप ये वाला देख सकते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे का आप ये सेंगू तुवम ये याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए फिलहाल, 3 जनरेशन थी पुगालूर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, रोमन्स बिल्ड अ टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस, यहाँ पे रोमन्स ने ऑगस्टस का एक टेम्पल बनवाया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अर्लीएस्ट नोन चेरा रूलर, जिस तरह से अर्लीएस्ट नोन चोला रूलर कौन थे, इलारा, वैसे ही अर्लीएस्ट नोन चेरा रूलर कौन से थे, उद्यान गेरा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हमने जैसे फेमस किंग वहाँ पे पढ़े थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी फेमस किंग पढ़ेंगे कि कौन थे, तो आप देख रहे होंगे ग्रेटेस्ट चेरा किंग कौन थे, सेंगू तुवन, इन्हें रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से, अब ये प्रोनाउंसिएशन, इनको प्रोनाउंस करना इतना टफ है फिर याद करना, तो ये इसलिए साउथ इंडियन वाले जो है ना, इसके बाद चलते हैं, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य हो गई, सब ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप बस इनको एक नोट्स एक बार बना लें और हल्का हल्का पढ़ते रहें, ऐसा नहीं इनको रटना है, नहीं, एक दिन चोला पढ़ लिया ठीक है, बाकी अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहे, दूसरे दिन चेरा पढ़ लिया हल्का हल्का, ऐसे ही होंगे आपको ये, ठीक है, याद, अदरवाइज टफ है इनको याद करना। ग्रेटेस्ट चेरा किंग सिंगू तुवन, ठीक है, इन्हें रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस्ड गंगा, नॉर्दर्न एरिया पे इन्होंने कब्जा किया, ठीक है, और गंगा को भी क्रॉस किया। अब देखिए हम चेरास पढ़ रहे हैं, यहां से गए ये नॉर्थ तक, यहां गंगा नदी है उसको क्रॉस किया। ठीक है, लेटर आता है, ही वॉज रिमेम्बर्ड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल ऑफ कनिगी, ये जो कनिगी है इनका टेम्पल बनाने के लिए फेमस है, फ्रॉम हिज हिमालयन एक्सपेडिशन आइडियल स्टोन। इसका मतलब है कि जो ये इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर लाए थे, स्टोन लाए थे, जिससे मूर्ति बनी है, ये अपने हिमालयन एक्सपेडिशन से लाए थे, मतलब जब गंगा क्रॉस की हिमालयास में गए तो वहां से वो स्टोन लेकर आए थे। ठीक है, फाउंडर ऑफ द फेमस पतिनी कल्ट, मतलब एक पंथ होता है ना, पंथ मतलब कोई अलग से धर्म मान लीजिए, ऐसा कोई छोटा मोटा, तो पतिनी कल्ट जो है इसके फाउंडर थे कौन, सेंगू तुवन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथर्न इंडिया, हमारे जो दक्षिणी भारत है वहां से चाइना तक जाने वाली पहली एम्बेसी किनकी थी, सेंगू तुवन की थी। एम्बलम बो एंड एरो, पीछे वाले का एम्बलम हमने क्या पढ़ा, अभी चोलास पढ़ा, उनका एम्बलम क्या था, टाइगर, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड भी हो गया कंप्लीट, अब आपको पता चल गया होगा ये चोलास है,
ये चेराज हैं, अब बचते हैं पांड्यास। ठीक है, चलिए अब मैप के थ्रू थोड़ा याद रखिए, थोड़ा सा टफ है बट कीजिए थोड़ी कोशिश, है ना। चलिए, ये सारे जो नोट्स हैं ना मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत ही कम दिया हुआ है। हाँ, कुछ पॉइंट्स वहाँ से लिए भी हैं, कुछ नेट से लिए हैं, बट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही इनकॉर्पोरेट किया है। सो आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड देखिए अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पर वो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पांड्यास के बारे में। तो ये हमारा लास्ट पेज है जिसमें हम पढ़ेंगे द पांड्यास के बारे में। कैपिटल की बात करें तो वो थी मदुरई। अब मदुरई कहाँ पे है, देखिए ये पांड्यास का एरिया है, यहाँ पे मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है। सो ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु पे रूल करते थे। ठीक है, रूल, देखिए वही बात आ गई, रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ठीक है, आज के डेट में जो तमिलनाडु है वहां पर ये रूल करते थे। एम्बलम की बात करें तो वो है फिश। ठीक है, चोलास का क्या था, टाइगर। चेरास का क्या था, बो एंड एरो, तीर कमान, तीर धनुष, वो है ना। और इनका क्या है, फिश। अर्लिएस्ट नोन पांड्यन रूलर कौन है, मुदुकुदुमी, 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 याद रखना है, नहीं भी याद रखना है थोड़ा सा यू 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 करके रख लो याद, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, इनका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नेदुनजेलियान, नेदुनजेलियान। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग थे। तो बस अब इन्हीं के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है द किंगडम फर्स्ट मेंशन्ड बाय, अब कि पांड्या किंगडम एग्जिस्ट भी करता था इसके बारे में सबसे पहले मेगास्थेन्स ने लिखा है। मेगास्थेन्स से रिलेटेड आपको एक बुक आएगी याद, इंडिका, बट ये सेपरेट है, इंडिका में नहीं लिखा इन्होंने, ये मैंने आपको वैसे लिख दिया कि इंडिका सेपरेट टॉपिक है ये, बट मेगास्थेन्स का जो वर्क है उनसे हमें पता चलता है कि हाँ पांड्याज नाम का कोई किंगडम एग्जिस्ट करता था। मैगस्थेन्स के हिसाब से ही सेड दैट द किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल एंड रूल्ड बाय अ वुमेन। मैगस्थेन्स के हिसाब से जो इनका किंगडम था वो पर्ल के लिए फेमस था, और यहाँ पे जो रूल करता था कहाँ पे, लेट मी शो यू, पांड्यास के एरिया में जो रूल करती थी वो एक वुमेन थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैगस्थेन्स आए थे। ठीक है, इस किंगडम में ऑल्सो फाइंड मेंशंस इन रामायण एंड महाभारत, मतलब ये जो किंगडम है, जो पांड्या किंगडम है, इसका मेंशन आपको रामायण में भी मिलेगा और महाभारत में भी मिलेगा। हैड रेगुलर आर्मी, मुनकुदुमी रेगुलर आर्मी थी इनके टाइम में, अब सॉरी नॉट मुदुकुदुमी, ये जो हमने पढ़े थे नेदुनजेलियान, इनके टाइम पे से रेगुलर आर्मी होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड ये वाली स्टोरी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली स्टोरी हम पढ़ेंगे नेदुनजेलियान की स्टोरी है। ये रूलर थे पांड्यान रूलर, तो इन्होंने क्या किया, अब इनको नहीं पता था तो इन्होंने गलती से क्या किया, ही एक्यूज्ड कोवलन ऑफ थेफ्ट। कोवलन एक पर्सन था, एक गरीब आदमी था, तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। नाउ कोवलन वाइफ, अब कोवलन की वाइफ थी कनगी, पीछे वाले में भी हमने पढ़ा चेरास में कि कनगी का टेम्पल बनाया था, हिमालयन रीजन से स्टोन लाए थे, है ना, वो अलग चीज है। यहाँ पे जो कोवलन को पे जब चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो कोवलन की वाइफ जो थी कनगी, उन्होंने श्राप दिया, कर्ज कर दिया कि आपकी सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये चीज़ गलत हुई तो, और वो चीज़ गलत थी तो सिटी ऑफ मदुरई डिस्ट्रॉयड, तो मदुरई पूरा का पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें फेमस थी, क्या क्या होता था। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, सती कास्ट आइडियल वर्शिप, सती प्रथा, कास्ट जो भेदभाव होता है, मूर्ति पूजा, ये सब कॉमन थे। विडोज वर ट्रीटेड बैडली, जो विडोज होती हैं, ठीक है, विधवा होती हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मेन पोर्ट इनके टाइम में कौन सा था, कोरकाई था, फेमस फॉर पर्ल फिशरीज। कोरकाई पोर्ट आप समझते हैं, पोर्ट मतलब कि एक बंदरगाह टाइप जहाँ पे फिशिंग वगैरह भी करते हैं, जहाज वगैरह के खड़े होते हैं इस तरह से, तो ये पर्ल फिशरी के लिए फेमस था। पर्ल फिशरी क्या होती है, मीन्स फिशिंग फॉर पर्ल ओलिस्टर्स, मतलब आपने पर्ल होता क्या है ना, देखिए पर्ल आप समझते हैं मोती, तो मोती किस में होता है, इस तरह के एक ओलिस्टर के बीच में मोती होता है, और ये मोती बनता कैसे है, फॉर्म्ड, लेट मी शो यू हियर, फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ नेक्रे, नेक्रे यहाँ पे जब जमता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उससे मोती बनता है, और ये ओलिस्टर के बीच में होता है। तो बस इस पूरे के पूरे ओलिस्टर के लिए जो है फिशिंग जब की जाती है तो उसे पर्ल फिशरी कहते हैं। ठीक है, नाउ बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ कालभ्रास, अब हुआ क्या, इस टाइम पे आक्रमण हो जाता है कालभ्रास का, जिसकी वजह से पूरा का पूरा किंगडम जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। आई नो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट अब हम छोड़ तो नहीं सकते एंशियंट हिस्ट्री को, एक बार पढ़ लिया, कंप्लीट कर दिया, नोट्स बन गए, फिर हमारी टेंशन खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है व्हाट्सएप का अकाउंट एक अपीयर हो जाएगा, मतलब आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे क्वेश्चंस क्वेरीज वो सब मैं सॉल्व कर दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ना आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, साथ में आपको यूट्यूब वीडियोज तो मिल ही रही हैं। तो अगर आपको नोट्स में कहीं लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस में मैंने उन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़ाया, तो आपको जो पूरा का पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक तरह से आपको वीडियोस भी फ्री में मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं, तो बहुत कम प्राइस पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, ठीक है। तो अगर देखिए, वैसे तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनके सब कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में इट वुड बी बेटर कि आप नोट्स परचेज करें, उनसे पढ़ लें, साथ में वीडियोज़ देख लें, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो, राइट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।